आप सभी को राम राम, नमस्कार। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी जितने भी मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, और आप दिल से मेहनत करिए और ऊपर वाले पे विश्वास रखिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना और इस परिवार को सभी साथी सब्सक्राइब कर लेना। अगर हम बात करें दोस्तों कि आपके एडमिट कार्ड कब जारी होंगे, तो एडमिट कार्ड आप सभी को पता है कि 23-24 अगस्त में शुरू के जो 3 दिन एग्जाम चलेगा उनके 23 तारीख वालों की बात करते हैं तो 16 अगस्त को उनके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे, और अगर जिनका एग्जाम 24 अगस्त को है उनके जो एडमिट कार्ड हो सकता है 17 अगस्त को आ जाए, और जिनका 25 अगस्त को एग्जाम है हो सकता है 18 अगस्त को आ जाए। तो कुल मिलाकर ये है कि एक साथ किसी सब सबके एडमिट कार्ड इस बार नहीं आएंगे, बारी बारी से जैसे जैसे आपका एग्जाम होगा। आप सभी को पता है 5 दिन में एग्जाम होगा और प्रत्येक शिफ्ट में 2 पेपर होंगे, तो टोटल कुल मिलाकर 10 शिफ्ट होंगी, और इस बार नॉर्मिनेशन का जो खेल है बहुत स्थिति खराब करेगा, और धांधली इतनी बड़ी होने की उम्मीद है नॉर्मिनेशन की आड़ में कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आपकी क्या राय है आप कमेंट करके जरूर बताना आप क्या सोचते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि आप अगर हम बात करते हैं कि आपके सेंटर कहाँ जाने की उम्मीद है, सेंटर आपके बॉयज के सेंटर की जो उम्मीद है कि चर्चा है कि लगभग लगभग 100 से 150 किलोमीटर की दूरी से मैक्सिमम ज्यादा दूर रहेंगे, और गर्ल्स कैंडिडेट के भी कुछ के अगर देखें जो अदर स्टेट से हैं उनके तो भाई कहीं भी आ जाए उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बाकी ऐसा ऐसी उम्मीद है कि कुछ के तो डिस्ट्रिक्ट में ही रहेंगे उन्हीं के जिले में, और कुछ के अदर में भी जाने की उम्मीद है। तो आप बस इस बात को देखना कि ये सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ पे कितने किस हिसाब से सेंटर है, तो इन चीजों के ऊपर डिपेंड करने के बावजूद सेंटर लिस्ट जो है जारी होगी, और आप देखिए कि बॉयज हो या गर्ल्स हो उम्मीद है दोनों के सेंटर डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर हम बात करते हैं लाखों छात्रों के एडमिट कार्ड नहीं आएंगे, ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जिन्होंने री एग्जाम जब आपका सॉरी यूपी पुलिस का पेपर हुआ था फरवरी में 17-18 को, जिन्होंने पेपर नहीं दिया था उनके एडमिट कार्ड आने के कोई अभी तक चांस दिखाई नहीं दे रही है, और ना ऐसा होता है कि कभी जिन्होंने एग्जाम छोड़ा है उनके एडमिट कार्ड जारी हो। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है और सभी एक कमेंट करके जरूर बताना कि आप इस समय कितना स्कोर कर रहे हैं। सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज आप दिल से मेहनत करिए, इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना और सभी साथी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।